संबल एमएलसी चुनाव को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने लिया मतदान केंद्र का जायजा। खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई तहसील सभागार में बैरिकेडिंग लगाकर मतदाताओं के लिए वोट डालने का इंतजाम सुचारू किए गए हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता फिरोज खान ने तहसील पहुंचकर मतदान केंद्र की व्यवस्था का जायजा लिया और बैरिकेडिंग को देखा। साथ ही उन्होंने नायब तहसीलदार से भी भेंट की। यहां मौजूद कर्मचारियों से मतदान को लेकर जानकारी की गई। फिरोज खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि संजय मिश्रा शिक्षकों के जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं और वे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे शिक्षक हैं वह बढ़ चढ़ कर उनके लिए मतदान करेंगे और भारी मतों से जिताएंगे। तहसील का निरीक्षण क्या है, खंड शिक्षक चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं आपके प्रत्याशी की? देखिए, तैयारी तो प्रत्याशी का हमारे तो संजय मिश्रा जी पहले से एमएलसी हैं, पिछली बार भी वही निर्वाचित हुए थे और इस बार भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और इस लिहाज से भी भरोसा जताया है कि उन्होंने हमेशा शिक्षकों की आवाज़ को उठाया, सदन में बोले, सदन से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आई तो सड़कों पर भी उतरना पड़ा क्योंकि उन्होंने शिक्षकों के सारे अधिकार भाजपा के लोगों ने छीन लिए। तो संजय मिश्रा जी उसकी लड़ाई लड़ते आए हैं और मैं समझता हूँ जितने शिक्षक हैं वो सारे लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या और जो पार्टी है उनके कैंडिडेट तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। संजय मिश्रा जी इतने वोट से जीतेंगे, पिछली बार भी प्रयास लगाया था हमने तो जितना हमारा आकलन था उससे ज़्यादा वोट से जीते थे शिक्षक, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, शिक्षकों का बुद्धिजीवी लोग जो हैं जो हमारे भी कहीं ना कहीं उस्ताद हैं तो मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग जो सूझबूझ के लोग हैं वो इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातों में नहीं आएंगे। शिक्षक वर्ग जो है बहुत सूझबूझ से काम लेने वाले लोगों में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संजय मिश्रा जी बहुत भारी अंतर से जीतेंगे और समाजवादी पार्टी विजयी।